सब लोग किसे ढूंढ रहे हैं? राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती महल में कहीं नहीं है। वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकते। महल का कोना कोना छान मारना होगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दोस्तों जल्दी करो, हम सबको अलग अलग होकर राजा इंद्रवर्मा को ढूंढना होगा। जी के साथ इस कमरे में थी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे पिताजी हैं कहाँ? धूनी बाबा, हमारे प्रिय महाराज इंद्रवर्मा लापता है और हमें सिर्फ ये पंख मिला है। खतरनाक असुर का पंख है। काल सुरा ही हमारे राजा को ले गया है। भूमि बाबा, वो राजा इंद्रवर्मा को कहाँ ले गए हैं? इस किताब से कुछ तो पता चलेगा। भीम, इस दुनिया में कोई नहीं जानता काल सुरा कहाँ रहता है। अगर पता चल भी जाए तो उस असुर से लड़ना नामुमकिन है। उसके पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। उसने हमारी राजकुमारी की याददाश्त तक छीन ली। मुझे ढोलकपुर पर मुसीबत के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चिंता मत करो इंदुमती, हम महाराज को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ राजकुमारी। जल्दबाजी में किया कोई काम सफल नहीं होता। क्या हुआ भीम? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो कृष्ण। मैं सब सुनता हूँ भीम और सब जानता भी हूँ। जैसे कि तुम टुनटुन मौसी के लड्डू लेकर भाग रहे थे। अरे वो तो बस ऐसे ही। मुझे ये भी पता है कि कालसुरा राजा इंद्रवर्मा को ले गया है। उसका राज्य आसमान में है, है ना इंदुमती? हाँ, याद आया।
पिताजी को बाकी राजाओं के साथ एक पिंजरे में रखा है। कालसुरा उन राजाओं की मदद से शक्ति मंत्र का प्रयोग करने वाला है। पर हम आसमान में कैसे जाएंगे? हम उड़ नहीं सकते। हम हमारे हाथों पर पत्ते बांधकर उड़ने की कोशिश कर सकते हैं। शायद मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। मौसी, तुम्हारे लड्डू मेरी वजह से ही तो पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो गए हैं, इसलिए हर रोज सबसे पहला लड्डू तो मुझे ही मिलना चाहिए। और दूसरा मुझे। और तीसरा मुझे। पुछी पुछी। तो तुम तीनों यहाँ हो? कब से मैं तुम्हारा पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। भूल गए हमें कल की कितनी तैयारियाँ करनी है? हम तो आ ही रहे थे चुटकी, पर भीम ने ही हमें देर करा दी। पर भीम को लड्डू के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। चुटकी से माफी मांगो भीम, अगर तैयारी नहीं हुई तो कल हम सबके सामने क्या करेंगे? अरे अरे, तुम सब किस चीज की तैयारी में लगे हुए हो? तुम्हें याद नहीं माँ, कल ही के दिन भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा का खात्मा किया था। हम इस जीत को याद रखने के लिए ही एक नाटक तैयार कर रहे हैं। हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी